हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी लॉ के सिलेबस की। अगर आपने यूपीएससी मेंस में लॉ ऑप्शनल के रूप में चुना है तो इस वीडियो में लॉ के पेपर वन और पेपर टू के सिलेबस की डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इसका ऑफिशियल पीडीएफ आप jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा फोकस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स मेंस डुअल एजुकेटर फ्री लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि 22 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं। ये पूरी क्लासेस पूरी तरह से फ्री हैं। अगर बात करें आपको ये क्लासेस क्यों अटेंड करनी चाहिए, तो इसमें डेडिकेटेड डिस्कशन होगा मेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेकर। साथ ही फ्री लाइव क्लासेस होंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा, जिसमें आपको स्ट्रेटजी तथा टिप्स और ट्रिक्स बताए जाएंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स मेंस के। साथ ही इम्पोर्टेंट टिप्स होंगे आंसर राइटिंग के और आप अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जिसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के अप्रोचेस के बारे में बताया जाएगा। ये क्लासेस आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार देख सकते हैं और इन क्लासेस के फ्री पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ये क्लासेस फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं पेपर वन के सिलेबस की, जिसमें पहला पार्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल तथा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा, जिसके अंतर्गत आपसे कॉन्स्टिट्यूशन तथा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा तथा फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही इनके रिलेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा और गवर्नर और उनकी पोजीशन के बारे में पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाएगा। सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के बारे में पूछा जाएगा। लेजिस्लेटिव पावर्स तथा प्रिविलेज और इम्यूनिटीज के बारे में पूछा जाएगा। सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही इमरजेंसी प्रोविजन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में पूछा जाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तथा इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही आपसे इंटरनेशनल लॉ के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें इसके नेचर और डिफिनेशन के बारे में पूछा जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ तथा म्यूनिसिपल लॉ के बारे में पूछा जाएगा और स्टेट रिकॉग्नाइजेशन तथा स्टेट सक्सेशन के बारे में पूछा जाएगा। लॉ ऑफ सी के बारे में पूछा जाएगा। इंडिविजुअल्स के बारे में पूछा जाएगा। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट एक्सटेंशन तथा असाइलम के बारे में पूछा जाएगा। ट्रीटीज के बारे में पूछा जाएगा। यूनाइटेड नेशन के बारे में पूछा जाएगा। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में पूछा जाएगा और इसके डिफरेंट मोड्स के बारे में पूछा जाएगा। लॉफुल रिसोर्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पूछा जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में पूछा जाएगा। लीगलिटी ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पूछा जाएगा तथा इनके बैन, टेस्टिंग, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इंटरनेशनल टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, हाईजैकिंग, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पूछा जाएगा। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर तथा मॉनेटरी लॉ के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें WTO, TRIPS, GATT, IMF, वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंटल के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की, जिसमें आपसे लॉ ऑफ क्राइम के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। साथ ही लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तथा मर्चेंटाइल लॉ और कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप इसका डिटेल में सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।